डेटा कम्युनिकेशन की सीरीज़ जो है वो शुरू की है। इसका एक सेट हम कर चुके हैं एमसीक्यूज का, आज इसका हम दूसरा सेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए सिंक्रोनस मॉडेम द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सेंड ए सिग्नल टू द ट्रांसमिशन लाइन, इक्वलाइजर, मॉड्यूलेटर, टर्मिनेट। तो ये होता है ऑप्शन बी, इक्वलाइजर को सेंड करता है। क्वेश्चन नंबर टू आ गया है हमारे पास, व्हिच सेक्शन ऑफ ए सिंक्रोनस मॉडेम कंटेन द स्क्रैम्बलर, टर्मिनल सेक्शन में, रिसीवर सेक्शन में, ट्रांसमिशन सेक्शन में या डी कंट्रोल सेक्शन में। तो यह होता है ट्रांसमिशन सेक्शन में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास आ गया है, द सिंक्रोनस मॉडेम्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द असिंक्रोनस मॉडेम्स बिकॉज प्रोडक्शन वॉल्यूम इज लार्जर, दे मस्ट कंटेन क्लॉक रिकवरी सर्किट, दे मस्ट ऑपरेट ऑन ए लार्जर बैंडविड्थ, दे आर लार्जर। तो ये होता है ऑप्शन बी, दे मस्ट कंटेन क्लॉक रिकवरी सर्किट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर आ गया है हमारे पास, द रिसीव इक्वलाइजर रिड्यूस डिले डिस्टॉर्शन यूजिंग ए डिफरेंस इंजन, डी स्कैम्बलर, सी टेप डिले लाइन्स, डी गियर शिफ्ट। तो ये होता है ऑप्शन सी, टेप डिले लाइन्स, इससे डिस्टॉर्शन कम की जाती है रिसीवर एंड पर। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ मच पावर अप्रोक्सीमेटली ए लाइट इमिटिंग डायोड कैन कपल इन ड्यूल एंड ऑप्टिकल, अच्छा जी, 1 पिकोवाट, 10 मिलीवाट्स, 10 वाट्स, डी 100 माइक्रोवाट्स। तो इसका सही ऑप्शन है डी 100 माइक्रोवाट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल्स डाउन द फाइबर इज कॉल्ड अटेन्यूएशन, प्रोपिगेशन, स्कैटरिंग, डी एब्सॉर्प्शन, अच्छा जी। तो ये होता है ऑप्शन ए, अटेन्यूएशन को कहते हैं जब लॉस कर जाता है सिग्नल, लॉस नहीं पावर लॉस कर जाता है सिग्नल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, मल्टीपल रिपीटर्स इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर कॉल्ड, मल्टीपल रिपीटर्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या कहते हैं? तो ए डिटेक्टर, बी मॉड्यूलेटर, सी ट्रांसपोंडर्स, डी स्टेशंस। तो ये होता है ऑप्शन सी, ट्रांसपोंडर्स। क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी बिट्स पर सैंपल आर यूज्ड इन द बॉड कोड, अच्छा जी, हाउ मेनी बिट्स पर सिंबल आर यूज इन दी बॉड कोड। तो ये है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, सी 8, डी 9। तो ये होता है बी 5, 5 सिंबल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाइल ट्रांसमिटिंग आर्ट पैरिटी कोडेड सिंबल्स द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच सैम्बल इज, ऑड पैरिटी में जीरोज की कितनी सैम्बल्स होंगी, ऑड में होंगी, इवन में होंगी, अननोन होंगी या नन ऑफ दीज, हमें नहीं पता होता कितनी जीरोज हो सकती हैं। तो ये होगा ऑप्शन सी, अननोन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ही इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन सिस्टम्स प्रोवाइड्स द हाइएस्ट डेटा रेट टू एन इंडिविजुअल डिवाइस,
हाईएस्ट डेटा रेट कौन सा देता है इनमें से? डिजिटल पीबीएक्स, बी कंप्यूटर बस, सीलेन, वॉइस बैंड मॉडेम। तो ये होता है कंप्यूटर बसेस के अंदर ये हाई स्पीड डेटा रेट देती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो जनाब आज का सेट पूरा हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपसे वही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।